सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो बहुत दिनों के बाद दोस्तों हम ये यूएसबी ब्लूटूथ पैनल के ऊपर वीडियो बनाया रहे हैं। एंड आज के वीडियो में दोस्तों कम्प्लीटली इसके फुल डिटेल्स के बारे में जानेंगे एंड ये कैसे काम करता है एंड इसको कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं। एंड इसको रिपेयर करना काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ईजी है, तो आपको अगर इस यूएसबी पैनल को रिपेयर करना है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आएँ। इस वीडियो को देख के आपको 100% इसको आप रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों फटाफट चलते हैं, इसको रिपेयर करने की आपको सारी गाइडलाइन दिखाते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक पहली बार आए हो, नीचे दोस्तों सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, प्लीज उसको टैप कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दोस्तों बता दें कैसे ये काम करता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे जो किसी भी यूएसबी पैनल के यहाँ पे 5 वोल्ट हमें दिया जाता है, जैसे कि आपको दिखा दे तो अच्छे से, यहाँ पे प्लस में 5 वोल्ट एंड एक ग्राउंड, तो यहाँ पे हम 5 वोल्ट देते हैं। इसमें लाइन आती है एंड इसमें FM एंड ऑक्स और यूएसबी एंड यूएसबी कार्ड और ब्लूटूथ 4 फीचर्स रहते हैं, किसी में एक ब्लूटूथ नहीं रहता है एंड सारा सिस्टम रहता है। और इसको हम पूरा फुल रिपेयर करेंगे एंड इसको आप 5 वोल्ट देने के लिए, 5 वोल्ट करंट देने के लिए आपको 7805 की एक आईसी आती है जो 12 वोल्ट 15 वोल्ट 20 वोल्ट से आपको 5 वोल्ट इस यूएसबी पैनल को देती है। बट हमें क्या करना है, इसको हम इसको किसी भी 5 वोल्ट से चला सकते हैं। जैसे हमारे पास एक चार्जर है जो कि है 5 वोल्ट का एंड इसका जो ये वायर है एंड मल्टीमीटर से हम 20 पे मल्टीमीटर को सेट करेंगे, इस वायर को चेक कर लेंगे कि ये वायर कितना हमें दे रहा है आउटपुट। तो देख सकते हैं अभी दोस्तों थोड़ा सा कम वोल्टेज दे रहा है, बट इससे भी हमारा यूएसबी पैनल जो है वो 100% चल जाएगा। बट 5 वोल्ट से 3.5 से हमें 5 वोल्ट चाहिए, तो 3.5 से 5 वोल्ट हमें मिल रहा है। तो अभी इसको फटाफट हम चेक करेंगे। सो हम आपको बता दें सबसे ज़्यादा दिक्कत दोस्तों कहाँ आती है। सो अभी तो दोस्तों हमारे पास ये देख सकते हैं आप एक यूएसबी पैनल है एंड इसमें दोस्तों ये काफ़ी पुराना मॉडल है एंड यहाँ पे हमें 5 वोल्ट देना है, जो कि ये वाला हमारे ग्राउंड है और ये VCC ये हमारा जो है 5 वोल्ट इसमें हम देंगे। तो इसको आपको देखकर दिखाते हैं, जैसे कि ये हमारा कभी भी आप दोस्तों चेक करें तो ग्राउंड कहीं पे भी दे दे, अगर यहाँ पे सटाते हैं तो कहीं उल्टा सट गया तो वो जल भी सकता है एंड ख़राब भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ग्राउंड ग्राउंड में दे देना है, जैसे कि हमने दे दिया। और ये वाला वायर है, इस वायर को हम एक मिनट, इसको हम यहाँ पे 5 वोल्ट देंगे। यहाँ मैंने ग्राउंड ले लिया और ये हमारा जो है 5 वोल्ट का वायर टच हो गया, देख सकते हैं स्कैन। एंड हमारा जो है अभी ब्लूटूथ मोड में ये 100% हमारा जो है पैनल ठीक है एंड 100% ये काम करता है। और नेक्स्ट हम अपना बता दें क्या चीप प्रॉब्लम आता है, जैसे कि इसमें तो वैसा नहीं है, यहाँ पे जो आपका 5 वोल्ट प्लस है उसके डायरेक्टली इधर देखेंगे तो ये ट्रैक कहाँ जा रहा है, डायरेक्ट कैपेसिटर पर जा रहा है। तो आप डायरेक्ट कैपेसिटर पर भी लाइन देंगे तो जैसे कैपेसिटर का हमारा माइनस कहाँ है, या इधर वाला है, तो यहाँ पे हम माइनस दे देते हैं। ग्राउंड आप कहीं पे भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया और ये वाला जो है हमारा प्लस था, देख सकते हैं लाइन आ चुका है। सो आप ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि एक हमारे पास पैनल था, उसको कैसे रिपेयर किया जाता है। ये वाला नहीं है, ये सब जो है दोस्तों मैंने सब फेंक दिए थे बट अभी उठा कर लाया हूँ एंड इसको रिपेयर भी, ये मैंने अभी रिपेयर किया लगभग थोड़ी देर पहले एंड अभी रिपेयर करने वाले हैं हम इसको एंड देखते हैं कहाँ से दिक्कत है, आपको गाइड पूरा फ्रेश बताएंगे। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हम ग्राउंड देंगे, ग्राउंड हमने कनेक्ट कर लिया। अब दोस्तों क्या करना है, आपको 5 वोल्ट इधर कहाँ दिख रहा है, ये वाला यही होता है 5 वोल्ट वाला, आपको पता होगा। तो यहाँ पे हम 5 वोल्ट पे देख सकते हैं तो कोई भी हमें रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है, आपके LED पैनल पे कोई भी दोस्तों रिस्पॉन्स देख लो कि नहीं मिला, जहाँ तक कि हम यहाँ पे 5 वोल्ट पे दे रहे हैं, देख सकते हैं 5 वोल्ट पर दे रहे हैं, कोई भी हमें नहीं मिल रहा है रिस्पॉन्स। सो इसको थोड़ा सा अच्छा से सटाएं, हम देख सकते हैं कुछ भी नहीं हो रहा है। एंड इसी ट्रैक को हम एक बार फाइंड आउट करेंगे। सो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये 5 वोल्ट हमें यहाँ दिया जाता है एंड ये जो जा रहा है डायरेक्ट हमारे यूएसबी के यहाँ पे भी 5 वोल्ट हमें देता है, तो इसी का ट्रैक है। और यहाँ पे ये ट्रैक सीधा आता है आपका, ऐसे आते आते यहाँ पे देखिएगा, आपको दिखा देते हैं यहाँ पे एक जो है ये हमारा जो है फ्यूज लगा हुआ आता है। अगर वोल्टेज ज़्यादा या फिर कम या फिर कैसे भी अगर होता है, अगर या फिर शॉर्टिंग वोटिंग आता है, तो यहाँ पे ये जो है फ्यूज सबसे ज़्यादा फ्यूज उड़ता है। तो पहले हम फ्यूज के इधर वाला पे चेक कर लेंगे, आप फ्यूज के किसी भी बाद न्यू वाले जितने आ रहे हैं मॉडल उसमें ये फ्यूज जरूर दिया रहता है और फ्यूज के बाद कैपेसिटर होता है। तो आप क्या कीजिएगा, जैसे आपका यहाँ पे 5 वोल्ट, जैसे हम यहाँ पे ग्राउंड दे दिए और यहाँ पे 5 वोल्ट दे रहे हैं तो हमारा लाइन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो है कैपेसिटर है, ग्राउंड इसी में देंगे, जो कहीं पे भी यहाँ पे ग्राउंड देते हैं एंड यहाँ पे जो है हमारा कैपेसिटर का पुलाउस है उसमें हम देकर देखते हैं एक बार।
इसमें क्या दिक्कत है? अगर दोस्तों आपका आईसी हीट हो रहा है तो वो कभी भी रिपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि आईसी उसका चेंज नहीं होता है, एंड उसको फेंक सकते हैं। जैसे आपने कोई 5 वोल्ट दिया और वो हीट कर रहा है तो उसको आप डेड समझ के फेंक सकते हैं, बट फेंकिएगा नहीं, उसको रखिएगा, ताकि इसका जो है स्विच विच काम आ जाता है, या फिर यूएसबी केबल, बहुत सारे चीज़ काम आ जाते हैं, और उसको आप रख के नेक्स्ट में लगा सकते हैं, लेकिन हाँ उसको फेंकिएगा मत, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो है कैपेसिटर का इधर वाला प्लस है, और इधर वाला दोस्तों है जो 100 माइनस है ये वाला, तो इधर वाला में हम सटाएंगे इधर, एक मिनट, देख सकते हैं दोस्तों लाइन आ चुका है। आपको दोस्तों वीडियो में ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम हो रही है, बट ये ब्लिंक नहीं कर रहा है, वीडियो में हो सकता है वैसा आ रहा हो, बट जो है अभी भी दोस्तों 100% ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 100% वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब इसका जो है ये यहाँ पे क्या है, फ्यूज वाला जो फ्यूज यहाँ पे है ये ख़राब हो गया, तो हम क्या करेंगे इसको, ये को इसको आयरन से हटा के और ये दोनों को शॉर्ट कर देंगे, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे 5 वोल्ट दे देंगे। होता ये है कि कभी काल जो है हमारा वोल्टेज कहीं ज़्यादा आ जाता है तो ये ख़राब हो जाता है। हाँ, आपका कोई है उसको आप बार बार मतलब यूज करते हैं कहीं कहीं पे, अगर आपको गलती से उसको उल्टा या फिर ज़्यादा करंट दे देते हैं तो वो ख़राब हो जाता है, तो बताऊंगा आपको कैसे आप उसको ज़्यादा भी देंगे और उल्टा भी देंगे तभी भी वो ख़राब नहीं होगा। एक आपको ट्रिक बताते हैं एक सामान से। सो फ्रेंड, ये हम लाए हैं जो एलईडी बल्ब की होती है सर्किट, एंड आपको यहाँ पे बता दें ये हमारा जो है यहाँ पे रहता है रेक्टिफायर, जैसे कि हमारा 220 वोल्ट से डीसी 220 वोल्ट में सप्लाई करता है। जैसे इसको हम यहाँ पे ये वाला जो है हम इसको इधर से 5 वोल्ट देते हैं, तो इसमें प्लस माइनस का एक चीना रहता है, देख सकते हैं ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस, जैसे आपको बता दें फिर से। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप ध्यान से, ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस, और यहाँ पे आप 220 वोल्ट कैसे भी उल्टा सीधा या फिर कैसे भी देते हैं तो ये जलता है, बट आप एलईडी पैनल में इसको प्लस में और इसको माइनस में लगा देंगे तो यहाँ पे आप लाल 5 वोल्ट इधर दीजिए प्लस या फिर इधर दीजिए माइनस, कोई भी दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कैसे भी सटाइएगा तो चलेगा, और हाँ ख़राब भी नहीं होगा, इसको वोल्टेज ज़्यादा भी देंगे तब भी ये ऑब्जर्व करके उसको अच्छे से डिक्लेयर करेगा, मतलब लगभग 5 वोल्ट से चलता है तो आप उसको 10 वोल्ट तक दे देंगे तो चलेगा, उससे ज़्यादा दीजिएगा तो हो सकता है वो ख़राब हो जाए, तो आपको उसको भी ध्यान से रखना है, बट उल्टा जोड़ेंगे तो ये कभी भी ख़राब आपको पैनल को नहीं होने देगा। ऐसे ही मैंने जैसे आपको दोस्तों बताया था ये वाला जो है इस फ्यूज के बारे में, सो फ्यूज इसका यहाँ पे है, सो इस फ्यूज से मैंने करके लगभग एक तो ये पहले से बनाया था और एक ये भी है, चेक करके दिखाता हूँ, बहुत सारे मैंने बना लिए हैं, सब मैंने डेड फेंके थे, बट अभी मैंने देखा तो समझ में आया और इसको सभी को उठा कर लाया एंड इसको सभी को रिपेयर कर लिया हूँ मैंने। जैसे कि देख सकते हैं इसमें लाइन आ चुका है, एंड अभी एफएम मोड में है तो ये ब्लूटूथ वाला भी है, सारा काम करता है दोस्तों, 100% वर्क है और पूरा फ्रेश काम करता है, एंड इसको कभी भी आप रिपेयर कर सकते हैं, ये वाला साइड ख़राब है और अभी मैंने रिपेयर किया हुआ, एंड इसको भी मैंने रिपेयर शायद किया था, इसको भी देख लेते हैं। 5 वोल्ट इसको दोस्तों यहाँ है, ये वाला है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट देते हैं, देख सकते हैं ये भी लाइट हो चुका है, सब मैंने डेड, देख सकते हैं इसका एक भी बटन नहीं है दोस्तों, बटन एक भी बटन नहीं है, मैंने सब तूर तूर के अलग अलग में यूज कर लिया, बट ये 100% मैंने बना दिया है, तो अब इसमें बटन भी लगाना पड़ेगा स्विच, एंड देख सकते हैं 3 बना दिए और ये सब भी अभी बना, इसमें अभी अभी कौन बनाए थे हम, अभी ये वाला दोस्तों हम अभी बनाए थे, जो कि ये हटा देंगे तो ये भी चलने लगेगा, जैसे देख सकते हैं लगभग हम 4 में 4 मतलब 50% खराब में खराब बना सकते हैं, 50% ये चारों वर्क है, एंड चारों आपको चेक करके भी दिखा दिए हैं, तो 100% आपको इसको रिपेयर कर सकते हैं वैसे ही प्रॉब्लम से, केवल आपको फ्यूज का देखना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, चैनल पर नए हो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बट हाँ आगे से दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, तो चैनल पर बने रहे प्लीज़ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड और भी आपको टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आपको कमेंट कर दीजिएगा।